स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जो चैप्टर है उसमें से हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स करा चुकी हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने काफी सारे पॉइंट्स कवर किए थे और इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ाया था कि कौन से इंडिकेटर्स आपको आने चाहिए, उनका एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में क्या कलर होता है। जिन बच्चों को वो वीडियो देखनी है तो वो जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, क्लास 10th के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, कि एसिड जो है वो किस तरह की केमिकल रिएक्शन देते हैं। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस तरह का एक चार्ट ड्रॉ करेंगे। हम सेंटर में लिखेंगे एसिड्स, एसिड्स की हम रिएक्शन कराएंगे, अलग अलग चीजों से हम रिएक्शन कराएंगे एसिड की, और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हम फाइव रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं। यहां पे जो एसिड है उसकी सबसे पहले रिएक्शन कराई जाएगी मेटल के साथ में। मेटल के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे बेसिस के साथ में कैसी रिएक्शन होने वाली है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल ऑक्साइड्स के साथ में इनकी रिएक्शन कैसी होगी। देन वी विल डिस्कस कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ में कैसी रिएक्शन होगी। देन वी विल डिस्कस कि एसिड्स की रिएक्शन मेटल क्लोराइड के साथ कैसी होने वाली है, मेटल क्लोराइड के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेआउट याद रहता है, अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा रिएक्शन को अपने आप बना लेना। क्योंकि स्टूडेंट्स को क्लास 10th में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैम हमें रिएक्शन याद नहीं होती है और रिएक्शन में क्या बनेगा हम कैसे याद करेंगे। तो बच्चों, कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप वो रूल याद कर लेते हैं तो आपको रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट तो मैं वही बता रही हूँ, अगर आपने ये याद कर लिया तो इस चैप्टर के, आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर के, आपको रिएक्शन रटने नहीं पड़ेंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो बच्चों, एसिड्स की रिएक्शन जब हम कराते हैं मेटल के साथ में, मेटल के ऊपर जब भी एसिड गिरता है तो हमेशा सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे एसिड की, और जब बेसिस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, आप जानते हो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, आपको ये पता है। आप ये रिएक्शन कहां पढ़ के आए हो, आपने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है क्लास 8-9 में पढ़ी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो बच्चों, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैग्नीशियम रिबन की जब आपने बर्निंग करी होगी फर्स्ट चैप्टर में, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के टाइम पे एक ऐश प्रोड्यूस करता है, व्हाइट कलर की ऐश, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने उसको जब वाटर में डिप किया था तो वो एसिडिक नेचर का था या बेसिक नेचर का, याद करो जरा। जी हाँ, वो बेसिक नेचर का था। इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, बिकॉज जब उनको वाटर में डिप कर दिया जाए तो वो बेस बन जाते हैं, और उसके बाद आप लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तो वो ब्लू कलर देंगे स्टूडेंट्स। तो एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक। तो पता लग जाएगा आपको यहाँ पे एसिड और बेसिक नेचर की चीज, जब भी रिएक्शन होती है तो क्या बन रहा था, सॉल्ट प्लस वॉटर। तो यहां पे भी यही बनेगा, सॉल्ट प्लस वॉटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एसिड की रिएक्शन जब होगी कार्बोनेट्स के साथ में या बाइकार्बोनेट्स के साथ में। तो स्टूडेंट्स, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3। जहां पे एच लग जाता है कार्बोनेट के साथ में तो वो बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो यहां पे जब भी रिएक्शन होगी तो इन चीजों पर जब भी एसिड गिरता है तो वहां पे दो चीजें होती हैं बच्चों, एक तो बनेगा सॉल्ट एज यूजुअल, एक बनेगा वाटर, वो भी नॉर्मल है, बट कार्बोनेट है तो CO2 भी रिलीज होगी, CO2 भी रिलीज होगी अगर कार्बोनेट होगा। और बच्चों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड्स में कराई जाती है टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए आपके पास कार्बोनेट पाउडर है, आपने एसिड डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप टेस्ट ट्यूब के अंदर,
तो वहां पे सॉल्ट बनेगा, वहां पे वॉटर होगा, क्योंकि ये रिएक्शन तो आप एक्वस मीडियम में करा रहे हो, एसिड भी एक्वस मीडियम में है। तो जब CO2 निकलेगी ना, CO2 जब रिलीज होगी तो आपको बबल्स दिखाई देंगे, बबल्स निकलते हुए। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हो तो बबल्स निकलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एफर्वेसेंस, एफर्वेसेंस होना, एफर्वेसेंस होना। तो स्टूडेंट्स एफर्वेसेंस होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और पानी में जब भी गैसेस रिलीज होती हैं तो बबल्स नजर आते हैं। तो यहाँ पे आपको इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन जो है वो एक ये याद रख लेनी है कि एफर्वेसेंस रिलीज जरूर होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे, एसिड की रिएक्शन अगर मेटल क्लोराइड से होगी तो क्या होगा बच्चों? एसिड की रिएक्शन मेटल क्लोराइड से होती है तो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट और HCl गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे जो HCl गैस है वो भी उसके लिए अपर डैर लगाइए, CO2 के लिए अपर डैर लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के लिए अपर डैर लगाएंगे। दिस इज द आउटलाइन ऑफ द रिएक्शन। अब इन्हीं रिएक्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, सबके एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एसिड रिएक्शन विद मेटल, ठीक है? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हेडिंग है हमारी एसिड प्लस मेटल, क्या बन रहा है? यहाँ पे हमने लिखा है सॉल्ट एंड वॉटर बन रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, इस रिएक्शन को क्या है इसमें। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लिखते हैं, एसिड का एग्जांपल लिखिए, एसिड का एग्जांपल लिख लेते हैं HCl, मेटल का एग्जांपल लिख लेते हैं जिंक, जिंक इज अ मेटल, मेटल जिंक पर HCl की जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कैसा आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा? तो बच्चों यहां पे सॉल्ट बनेगा कौन सा जल्दी बताओ, ZnCl2 सॉल्ट बनेगा, Zn और Cl, और हाइड्रोजन जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स मिल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे H2 जो रिलीज होगा। तो ये हो जाएगी रिएक्शन एसिड प्लस मेटल की, जिससे बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज जरूर लिखिए, HCl के ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्वस फॉर्म, जिंक तो सॉलिड भी हो सकता है, पाउडर फॉर्म हो सकता है, दिस सॉल्ट फॉर्म इज ऑल्सो एक्वस एंड हाइड्रोजन तो गैशियस है ही, आप जानते हो। नेक्स्ट पे आ जाइए, सेकेंड सेकेंड इज एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वॉटर। अब आप जानते हो इस रिएक्शन का नाम क्या है, जल्दी बताइए, सोचो सोचो क्या नाम है इस रिएक्शन का, सबको पता है इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना? तो यहां लिख लेते हैं डेफिनेशन का नाम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन लिख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर एंड हीट इज रिलीज। तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है ये किस तरह की रिएक्शन है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बिकॉज आप जानते हैं कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो उसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी तो आप देख सकते हैं उसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इससे एग्जाम्पल लिख लेते हैं रिएक्शन का, एक एसिड का एग्जाम्पल HCl है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, NaOH ले लेते हैं बेस का एग्जाम्पल, ये एसिड है ये बेस है, इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा NaCl और वॉटर रिलीज हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं Na बनेगा और Cl और Na जब कंबाइन कर जाएंगे तो NaCl बनेगा जो एक सॉल्ट है। तो स्टूडेंट्स इसके बीच में हम लिख लेते हैं ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये जो फॉर्म होगा सॉल्ट ये भी एक्वस होगा, डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो इस तरह से होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड रिएक्शन पे, मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ में। चलिए स्टूडेंट्स लिख लेते हैं इसको हम थर्ड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड,
तो स्टूडेंट्स मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो ऑब्वियसली आप जानते हो क्या बनने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर ही बनने वाला है। इट इज वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, सेम जो ऊपर वाला रिएक्शन था वही फॉलो करेंगे हम। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल लिखेंगे। एक एसिड का एग्जांपल सोच लीजिए, एसिड का कोई भी एग्जांपल सोच लो, H2SO4। और इसके रिएक्शन करवा देते हैं मेटल ऑक्साइड से जो बेसिक नेचर में हो, CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हो गया बेसिक नेचर, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं। तो रिएक्शन करने के बाद कॉपर का तो सल्फेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, रिएक्शन एकदम बैलेंस्ड है, परफेक्ट है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इजी रिएक्शन है बच्चों। ये है एसिड और ये है मेटल ऑक्साइड, ये है सॉल्ट और ये है वाटर। तो यहाँ पे भी आप इन सबके ब्रैकेट में एक्वस लिख सकते हैं, एक्वस एक्वस एक्वस। तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे बच्चों, मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन कराएंगे, कार्बोनेट्स की एंड बाइकार्बोनेट्स की एसिड के साथ। तो स्टूडेंट्स फोर्थ रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, इससे क्या बनेगा? अभी हमने डिस्कस किया है यहां पे सॉल्ट वाटर एंड CO2 बनने वाला है। लिख लेते हैं इसको, सॉल्ट वाटर प्लस CO2, ये सारी चीजें फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जांपल लिखेंगे। अभी हम एसिड का एग्जांपल सोचते हैं, बहुत अच्छा सा कोई भी एसिड का एग्जांपल सोच लीजिए और उसमें हम रिएक्शन कराएंगे मेटल कार्बोनेट की या बाइकार्बोनेट की। तो मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं Na2CO3, बाइकार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं NaHCO3। तो ये है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इनकी रिएक्शन हम करा लेते हैं HBr इस एसिड के साथ में। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को अभी हम कंप्लीट करते हैं। अब बहुत ध्यान से आप सोचिए, आपको क्या क्या फॉर्म करना है? वाटर फॉर्म करना है, CO2 फॉर्म करना है। तो CO2 तो यहीं से रिलीज हो जाने वाला है। ठीक है, ऑक्सीजन जो एक यहां बचेगा वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा, तो NaBr तो सॉल्ट बनेगा हमारा, प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 के पास में आप एरो लगाएंगे, अपवर्ड एरो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन में भी यही होने वाला है, यहां पे भी NaBr बनेगा, NaBr, यहाँ पे भी NaBr, तो दो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सो दैट 2 NaBr बन जाए, 2 सोडियम है इसलिए। ओके, सेकेंड रिएक्शन में NaBr फॉर्म हुआ, देन H2O फॉर्म होगा एंड देन CO2 फॉर्म होगा, जो आप अब एरो दिखाएंगे ताकि वो दिखाई दे कि वो रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। एंड व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन हियर स्टूडेंट्स, क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा? क्योंकि रिएक्शन की ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन होगी हमारी ये कि जो भी रिएक्शन एसिड के साथ होती है वो एक्सोथर्मिक होती है जनरली। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड CO2 रिलीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? एफरवेसेंस। ये टर्म लिखना जरूरी है, एफरवेसेंस को या बोलते हैं बबल फॉर्म हो रहे हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि CO2 रिलीज हो रही है बच्चों, तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं, एसिड प्लस मेटल क्लोराइड। तो टाइप 5 पे चलते हैं, एसिड प्लस मेटल क्लोराइड, क्या बनेगा बच्चों यहां पे? यहां बन जाएगा हमारे पास सॉल्ट प्लस HCl गैस, ये फॉर्म होने वाली है। ठीक है, इसको हमने भी लिखा है यहां पे और इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों? एसिड का कोई एग्जांपल सोचिए और मेटल क्लोराइड का एग्जांपल सोचो। मेटल क्लोराइड इज NaCl, मेटल क्लोराइड एसिड ले लेते हैं, आप ले लीजिए कोई भी एसिड ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पे सॉल्ट कौन सा बनेगा? H और Cl से तो HCl बनने वाला है, HCl गैस।
सॉल्ट बनेगा सोडियम और सल्फेट का, एन ए एन ए टू एस ओ फोर। तो ये हो गया, इनकी बैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई। मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों, देखो अगर मैंने यहां पे टू लगाया तो सीएल भी टू टाइम्स, सोडियम भी टू टाइम्स। तो सीएल टू टाइम्स इसलिए लिया क्योंकि हाइड्रोजन टू टाइम्स था और यहाँ पे टू लगाना जरूरी था हमें, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एचसीएल फॉर्म हो रहे हैं तो क्लोरीन यहाँ पे कंपल्सरी टू टाइम्स होने वाला है। तो टू लिख दिया ताकि आपकी बैलेंसी बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। एन ए टू एसओ फोर लाइक दिस। तो ये कंप्लीट हो गई है रिएक्शन। ये है एसिड, ये है मेटल क्लोराइड, ये है सॉल्ट और ये है एचसीएल। तो बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको बैलेंसीज अच्छे से याद होंगी तो आप कोई भी एग्जाम्पल से कोई भी रिएक्शन अपने आप फॉर्म कर लोगे। मेन बात ये है यहाँ पे कि इन रिएक्शंस को आपको लर्न करना ही है क्योंकि ये एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है और इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्पेशली क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन में से आता है जो मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के अलावा। क्या है वो एडिशनल प्रॉपर्टीज, एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ लेते हैं। इसका हेडिंग लिख देती हूँ मैं, हेडिंग है ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग जो सब्सटेंसेस हैं वो एसिड्स नहीं होते और सभी हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं। तो इसका लिख लेते हैं हम इसको, ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स एंड गुड कंडक्टर्स। जब वो एसिड्स ही नहीं होते अच्छे तो वो गुड कंडक्टर्स भी नहीं होते हैं। तो ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड्स। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग हर कंपाउंड एसिड नहीं होगा। एग्जाम्पल में लिख रही हूँ आपके सामने, एक तो ले रही हूँ HCl, एक ले रही हूँ H2SO4, एक ले रही हूँ ग्लूकोज, एक ले रही हूँ एल्कोहल। तो इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, अल्कोहल का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं CH3CH2OH। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सभी में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सब में है। क्या सारे हाइड्रोजन रिलीज होने के लायक होते हैं, क्या सारे हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं? अगर सारे हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं तो वो अच्छे एसिड्स होंगे, और हाइड्रोजन आयन जब रिलीज होता है, H+ जब रिलीज होता है तो वो अच्छे एसिड होते हैं। बट ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम ये चेक कैसे करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे बच्चों। हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास ये वायरिंग है। यहाँ पे इस तरह से हमने बीकर लिया है, बीकर में हमने दो आयरन नेल्स लगाए हैं, मेटल नेल्स, सो दैट ये कंप्लीट कर ले हमारे सिग्नल को, हमारे सर्किट को। यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एक बल्ब। यहाँ पे लगा दिया है हमने एक बल्ब। तो बल्ब ग्लो करेगा या नहीं ग्लो करेगा ये हमें चेक करना है। हमें यहाँ पे सॉल्यूशंस लेने हैं अलग अलग। अगर हम लेते हैं HCl तो क्या होगा, अगर हमने HCl का सॉल्यूशन बनाया तो क्या ये बल्ब ग्लो कर जाएगा? यस, ये बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि HCl की वजह से HCl का जो सॉल्यूशन होगा वो वाटर में H+ आयन रिलीज करेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं बच्चों, HCl जो है वो रिलीज करता है H+ एंड Cl-, तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। सेकेंड है H2SO4, ये भी रिलीज कर देगा 2H+ प्लस SO4-, SO4-2-, ये भी कंडक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे इसके आयन्स। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज और एल्कोहल फॉर्म नहीं करते हैं आयन्स, और उनके केस में अगर आपने यहाँ पे ले लिया ग्लूकोज का सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर आपने लिया
अल्कोहल का सॉल्यूशन बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है बच्चों, बट यहां पे इन दोनों केसेस में बल्ब ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा? बिकॉज ये आयंस फॉर्म करने के लायक हैं, आयंस फॉर्म करेंगे वाटर में और इसकी वजह से यहां पे कंडक्टिविटी होगी। ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। कैसे कंप्लीट होगा? ये वायरिंग तो पता लग रहा है कॉन्टिन्यूएशन में है, बट यहां पे इनके बीच में जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर देगा। तो एक तो क्वेश्चन ये था कि सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या है अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो आंसर है नहीं होंगे, हमने देख लिया है क्यों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टिल वाटर की। तो स्टूडेंट्स, डिस्टिल वाटर भी इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होगा। डिस्टिल वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो मैं यहां लिख देती हूँ इस पॉइंट को। ये हमारी केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा, उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी थी ये, और थर्ड हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि क्या हमारा जो डिस्टिल वाटर है वो कंडक्टर है या नहीं है, क्या वो कंडक्ट करेगा या नहीं। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज यहाँ पे आयंस फॉर्म नहीं होंगे। अगर आपको यहाँ पे आयंस फॉर्म करवाने हैं तो आपको 1-2 ड्रॉप ऑफ सॉल्ट एसिड या बेस ऐड करना पड़ेगा। आप या तो सॉल्ट ऐड करिए या बेस ऐड करिए या एसिड ऐड करिए, तभी कंडक्ट करेंगे। तो डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर फोर है रेन वाटर की बात कर लेते हैं। क्या रेन वाटर कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी? कई बच्चों के मन में ये बात रहती है कि रेन वाटर जो है वो प्योर है, मतलब कि रेन वाटर जो है वो बहुत प्योर है और उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों। जब रेन वाटर होती है तो उसके अंदर क्या होता है, रेन वाटर का पीएच होता है 6। न्यूट्रल तो नहीं है, नॉट न्यूट्रल, ठीक है। तो क्यों है 6? बिकॉज रेन वाटर के अंदर होता है H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड कहां से आता है बच्चों? ये आता है हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से बन जाता है कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड अगर रेन वाटर में प्रेजेंट होगा तो उसका पीएच जो है कम कर देगा। कितना कर देगा? 7 नहीं छोड़ेगा, उससे कम करेगा। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में प्रेजेंट है वो रिएक्शन करेंगे तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है रेन वाटर में, और रेन वाटर जो है वो इस वजह से उसका पीएच 6 होता है, जो एक न्यूट्रल पीएच नहीं है, न्यूट्रल पीएच 7 होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल नहीं है ये। एसिड रेन किसको बोलेंगे? क्या इसको एसिड रेन बोलेंगे? नो, इसको हम एसिड रेन नहीं बोलेंगे, बिकॉज CO2 तो हर जगह होगा, बहुत अच्छा क्लीन एनवायरमेंट होगा, वहां पे भी CO2 एटमॉस्फेयर में होता है, तो CO2 तो हर जगह होगा। अगर इसके अलावा कुछ एडिशनल गैसेस होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आप देख लीजिए सल्फर ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो वो बहुत हार्मफुल हो जाते हैं और वो फॉर्म कर लेते हैं एसिड्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास NO2 है एटमॉस्फेयर में या SO2 है, तो वो फॉर्म कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और अगर ये रेन वाटर में प्रेजेंट होंगे तो उस रेन वाटर को हम कहेंगे एसिड रेन। ऐसी रेन वाटर को कहा जाएगा एसिड रेन। एंड स्टूडेंट्स, एसिड रेन जो होती है उसका पीएच 4 के अराउंड होता है। पीएच कितना होगा उसका? 4 के अराउंड होगा, जो बहुत हार्मफुल है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। क्योंकि अगर ऐसी बारिश होगी और प्लांट्स के ऊपर वो बारिश गिरेगी तो प्लांट्स खराब हो जाएंगे, फ्रूट्स खराब हो जाएंगे, इवन अगर हमारे स्किन पे गिरेगी तो स्किन को भी डैमेज हो सकता है। एंड जो लोग एनिमल्स हैं जो बाहर घूम रहे हैं उनकी स्किन को भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, एंड मार्बल स्टोन जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी डैमेज करते हैं। तो एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल। एसिड रेन के अंदर एडिशनल एसिड प्रेजेंट होता है जो उसका पीएच कम कर देता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पढ़ा है एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सभी रिएक्शंस हमने डिस्कस कर ली हैं, हमने एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।